दोस्तों, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम आईपीएल 2020 के ऑक्शन के बाद काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि टीम किंग्स इलेवन पंजाब की प्लेइंग 11 आईपीएल 2020 में क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी फेवरेट टीम बने आईपीएल 2020 में चैंपियन, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से किंग्स इलेवन पंजाब की प्लेइंग 11 आईपीएल 2020 में क्या होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस बार किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने ग्लेन मैक्सवेल को अपने टीम में शामिल कर लिया ऑक्शन के थ्रू, जिससे कि पंजाब की टीम ऑन पेपर बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गई है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें इस टीम के ओपनिंग पेयर के बारे में। तो ओपनिंग में जो सबसे पहला नाम है वो है लोकेश राहुल का, जो कि इस टीम के कप्तान भी रहने वाले हैं आईपीएल 2020 में। और इनका साथ देने के लिए आएंगे वेस्ट इंडीज के धाकर ओपनर क्रिस गेल और लोकेश राहुल आपको किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। और इस लिस्ट में तीसरे प्लेयर जो है वो है मयंक अग्रवाल, जो कि काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, जिनको कि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने 10 करोड़ से ऊपर की रकम में अपने टीम में शामिल किया है। और इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आते हैं मनदीप सिंह, जो कि इंडियन टीम के बैट्समैन रह चुके हैं। और फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो छठवें नंबर पर प्लेयर आते हैं वो है ऑलराउंडर जिमी निसम, जिनको कि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने अपने टीम में शामिल कर दिया था ऑक्शन के बाद। और गाइज, इस टीम में सातवें नंबर पर आते हैं कृष्णप्पा गौतम, जो कि राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड आउट होकर के किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में आए थे। और इस लिस्ट में आठवें नंबर पर आते हैं ऑलराउंडर जगदीश सुचित। और दोस्तों, इस लिस्ट में जो नौवे नंबर के प्लेयर हैं वो है मुरुगन अश्विन, जो कि इस टीम के मुख्य स्पिनर की भूमिका में आपको नजर आने वाले हैं। और दसवें नंबर पर इस टीम में आते हैं फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी, जो कि इनके मुख्य तेज गेंदबाज रहने वाले हैं। और आखिरी नंबर पर आते हैं वेस्ट इंडीज के लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर सेल्टन कॉटरेल, जो कि इस टीम के मुख्य तेज गेंदबाज रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी टीम किंग्स इलेवन पंजाब की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 आईपीएल 2020 के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पंजाब की प्लेइंग 11 आईपीएल 2020 में क्या रहनी चाहिए, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आईपीएल और किंग्स इलेवन पंजाब से जुड़ी सभी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।